अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक साथ कई सारी खबरों पर तबसरा करना जरूरी है, जिसमें खास तौर से बेलगाम बापट गली की शाही मस्जिद पर भी अब निशाना साधते हुए भाजपा एमएलए अभय पाटिल ने मंदिर होने का दावा किया है। खैर, इससे पहले एक और बड़ी खबर यह है कि भाजपा के नुपुर शर्मा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी पूरे मुल्क में मजम्मत की जा रही है। एक अलग मामला है जिस पर कभी तबसरा किया जाएगा। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो शाही मस्जिद बेलगाम की है। खैर, अब मामला बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा, काशी, भोपाल होते हुए बेलगाम पहुंच ही गया। खैर, इसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अब यही एक काम भाजपाइयों का बचा हुआ है और इसी में वो मुल्क को मसरूफ रख सकते हैं। सभी जानते हैं महंगाई बेरोजगारी किस मियार पर है, लिहाजा इसी तरह के मसलों से देश की सही दिशा को मोड़ा जा सकता है और गुमराह भी किया जा सकता है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इनकी नकील कोई कसने वाला है या नहीं, या इन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। सभी जानते हैं कि बेलगाम एक अमन पसंद शहर रहा है। अब पूरे मुल्क में इसी फार्मूले पर सियासी इख्तदार हासिल करने की कोशिश जारी है। बेलगाम में कभी जबान की बुनियाद पर तशद्दुद देखा जाता था, लेकिन अब इसका रुख मोड़कर यहां भी हिंदू मुस्लिम नजरिया दिया जा रहा है। खैर, अगर शाही मस्जिद बापट गली का जिक्र किया जाए तो यकीनन यह मस्जिद काफी पुरानी है। बापट गली पहले एक बदनाम इलाका था, बदनाम गली थी, बहुत सारे लोग जानते भी है। लिहाजा यहाँ स्क्रैप मर्चेंट की दुकानों के बाजार लगाने लगे तो इसे मोड़ का बाजार कहने लगे। ज्यादातर मुस्लिम ताजिर बापट गली पार्किंग, जहाँ पहले स्क्रैप का कारोबार चलता था। जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पुरानी छोटी शाही मस्जिद की तामीर नौ की गई, तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने इस तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी। एक या दो चार घर होने की बात कही जाती है। ज्यादा आबादी ना होने की वजह से नमाजी भी बिल्कुल कम हुआ करते थे। इत्तला के मुताबिक कुछ मन्नूर गली से नमाजी नमाज अदा करने के लिए शाही मस्जिद आया करते थे, मतलब यहाँ नमाज भी अरसे से होती थी। कुछ लोग आज भी मौजूद है जिन्होंने 1950 से इसकी तारीख बताई। खैर, आज शाही मस्जिद का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा के एमएलए ने, जो हमेशा बयानबाजी के जरिए मकबूलियत बटोरना चाहता है, अब जब भाजपा रोजगार महंगाई में नाकाम हो चुकी है तो मुल्की सतह पर हिंदू मुस्लिम को छेड़कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करना चाहती है, ताकि असल मसलों से ध्यान भटका रहे। और इनकी इस साजिश को तकरीबन लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई बोलना भी नहीं चाहता। अब दूसरा पहलू ये भी है कि मुस्लिम समाज अपना कितना किरदार निभा रहा है। महज बदामाली की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। जब इस तरह के हालात उम्मत पर रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम माशरा आज भी अपने अपने मसलकों की महफिलें सजाने में लगा हुआ और इसी में मसरूफ है। कोई इज्तिमात में मसरूफ है, तो कोई दरस कुरान, कुछ कवालियों में मसरूफ है, कुछ बुजुर्गों की ताजीम और बुजुर्गों के पास जाकर दुआएं मांगने मसरूफ है। लिहाजा जिक्र की महफिलें भी सजाई जा रही है। जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो जौ के यकी तो कट जाती है जंजीरें। लिहाजा जुल्म के खिलाफ आवाज कोई उठाना नहीं चाहता, लेकिन अपने अपने मसलक के कामों को वो बखूबी अंजाम देना चाहता है। और आज भी यही मसलक का जहर इनके अंदर तक पैवस्त है, यही आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से शाही मस्जिद का मामला हो या इससे पहले और भी दिगर मामलात में पूरे मुल्क में खामोशी देखी जा रही है। अमन को तशद्दुद में तब्दील करने वालों के खिलाफ इंतजामिया या फिर अदलिया का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ये इनकी शरारत है और इस शरारत से वो उकसाना चाहते हैं, कहते हुए हम खामोश बैठना कहां तक सही है? आखिर ऐसे कौन से सबक हमने पढ़े हैं जो हक और बातिल के दरमियान का फर्क ही नहीं करना चाहते? जब सामने वाला इस मुल्क के दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी बयानात कर रहा है, किसी भी जगह पर शिवलिंग मंदिर स्वस्तिक का दावा कर रहा है, तो इस जमहूरी मुल्क में हमें भी कुछ हक दिए गए हैं। मौलाना महमूद मंदी साहब ने तो हाल ही में बयान देते हुए कहा कि हम जुल्म सह लेंगे, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। अब यह कैसा बयान है बताइए? कहना तो यह चाहिए था कि ना ही हम जुल्म सहेंगे और ना ही हम मुल्क पर आंच आने देंगे, इस तरह से जुमला कहना चाहिए था। लेकिन मौलाना साहब ने हम जुल्म सहेंगे कहा, जहां जुल्म सहने की तरगीब दी जा रही है। क्या जुल्म सहना भी जुल्म करने वालों की हिमायत नहीं है? आखिर शाहीनों को कव्वे बनाने के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर भाजपा को वोट दे सकते हैं से मुराद क्या है? अब जब बेलगाम की शाही मस्जिद के नीचे मंदिर है और इंतजामिया से मुतालबा करने की बात भी खुद एमएलए बात करता है, मतलब चोर मचाए शोर की तरह माहौल को खुद खराब करने वाले ही इंतजामिया के पास मुतालबा भी पेश करने जा रहे हैं। और जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है और जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो तमाम लीडर्स कहाँ हैं? बेलगाम के मुस्लिम लीडर्स कहाँ हैं? दीनी सियासी रहनुमाओं के पास
कोई मनसूबाबंदी भी है या यूं ही खामोशी के साथ दूसरी मुसीबत का इंतजार करना है? पुलिस अफसर अदालत का दरवाजा खटखटाए, कार्रवाई का मुतालबा करे, हो सके तो एहतजाज भी करे, क्योंकि शहर के माहौल को खराब करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, फिर वो किसी भी धर्म मजहब का भाषा नस्ल का हो। जुल्म को बदामाली के नतीजे में देखना भी पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता, आजमाइश भी हो सकती है। तुम्हारे अख्तियार में इतना जरूर है कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करना होगा। अभी भी कानून खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा जो भी शख्स फिर किसी भी पार्टी का हो अगर अमन को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इसके खिलाफ मामले को दर्ज किया जाए। और यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो जाकर इंतजामिया पर दबाव कायम करे। और महज किसी एक धर्म के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो भी शहर का अमन पसंद शहरी हो आगे आए और कार्रवाई के लिए मुतालबा पेश करे। अब तक तो खामोशी नजर आ रही है। इत्तला के मुताबिक तमाम कागजात दस्तावेज मस्जिद के मुकम्मल भी होने की बात कही जा रही है, पर क्या जिनके पास किसी तरह के कागजात दस्तावेज ना होते हुए भी मंदिर मस्जिद तनाजे को जन्म दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई होगी या यहां भी इंसाफ का कत्ल किया जाएगा? इसी चर्चा हवा में जारी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे उरुस कमेटी, यंग कमेटी सब मिलके ये हज़रत सैयद केशव शाह वली बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उरुस हर साल करते हैं। दो साल कोविड के वजह से दो साल से किए नहीं, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला है। और पुलिस डिपार्टमेंट हमारे SP साहब, कमिश्नर, DCP माइक वन और RPI साहब ने परमिशन दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम हो गया है। और संदल के वक्त हम लोगों ने पहली बार लंगर का इंतज़ाम किया था, माशाल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को। और तमाम आवाम से
तमाम आवाम हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और सब लोग जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट से वो सब लोग आके आशीर्वाद लेके गए हैं यहाँ से। और तमाम हमारे उर्स कमेटी के जो भी मेम्बरात हैं और यंग कमेटी के मेम्बरात हैं, इसमें बहुत मेहनत किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे उर्स कमेटी, यंग कमेटी और ये हमारी कमेटी से पूरे लोग हमारे अच्छे से उर्स मनाने का एसपी साहब से हमें परमिशन लेके अच्छा ये सब पूरे इंतजार करे कमेटी लोग हमारे बच्चे सब पूरे। और हमें बोले थे बच्चे से सुन के जब अच्छे से अच्छे कमेटी से पूरे कमेटी हमारा सुनकर अच्छा सा पूरा लंगर का और ये सब पूरा इंतजाम करके अच्छा लोग से खाना खाने खा के अच्छा ये करके बोल के ये बुलाएँ बोल के सब लोग तारीफ करे हैं। इसके बाद में जो यंग कमेटी हमारा इसलिए आगे भी हमारा साथ दे के अच्छा करने के लिए आगे करेंगे हम बोल के हम दुआ केशव शिली बाबा से दुआ मांगता हूँ। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಿಂದ ಉರುಸು 20 ಒಳಗೆ ಸಂದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಉರುಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28ಕ್ಕೆ 29ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಿರಕ್ಕಿಲ್ಕ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬಾಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೃಪೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೆ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ हज़रत केशव शाली बाबा की तरफ से उर्स का निज़ाम किया गया है पूरा, और साथ ही साथ हमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बहुत बेहतरीन अच्छा सपोर्ट हमको मिला हुआ है, और पूरी जमात और पूरी यंग कमेटी मिलकर पूरा निज़ाम को संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ और कल चंदल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, और आज उर्स है और कल लंगर है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और कमेटी का, यंग कमेटी का। केशव शाह वाली दरगाह का उर्स हर साल ऐसा ही मनाया जाता है। दो साल लॉकडाउन की वजह से केशव शाह वाली दरगाह का उर्स मनाया नहीं गया है। ए टी एम को पुलिस प्रशासन, हमारे बेलगाम के एसपी साहब, मन में कमिश्नर साहब, डीसीपी डीआर और बर्मनी साहब, आरपीआई साहब, शेख साहब, इनके वजह से परमिशन मिली हमारे को एटीएम उरुस करने की। वो भी उरुस करने का बोले तो कवाली नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है कुछ भी, इसके लिए हमारे को परमिशन दिए। हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी के सब लोग मिल के मनाते हैं इनका हेडक्वार्टर का उरुस। ये जो इतिहास बेलगाम के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर का इतिहास सब कम्युनिटी के लोग मिला के उरुस बनाते हैं। और यहाँ पर ये टाइम कवाली का प्रोग्राम नहीं है, यंग कमेटी और हमारी जमात पुलिस हेडक्वार्टर की ये सब ऑर्गेनाइज करे सो है।